हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ दिनेश कुमार यादव और हमारा आज का टॉपिक है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, ठीक है, या फिर इसको कोरोना डिस्चार्ज से भी हम बोलते हैं। सो देखिए, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट या कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। सो व्हेन ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कैरी ए चार्ज दैट इज क्यू, द सर्फेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, कि भाई अगर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके रेडियस यहाँ पर आर है, ठीक है, जिसपे कुछ यहाँ पर चार्ज स्टोर है, तो चार्ज डेंसिटी जो है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगी चार्ज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। सो दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया इज 4πr². सो वी कैन से दैट सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कम होगी, अगर रेडियस ज़्यादा होगा, यहाँ पर रेडियस ज़्यादा होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, और अगर हमारी रेडियस कम होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा कि भाई अगर कोई इस तरह से यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी इस तरह से है, तो क्या होगा कि जो अगर हम रेडियस की बात करें, यहाँ पर ये जो पॉइंट है तो इस पॉइंट की यहाँ पर जो डिस्टेंस है बेसिकली वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी आप कि भाई ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर सेंटर मान के आप भाई ये जो है इस तरीके से यहाँ पर एक पूरा स्पीयर ड्रॉ कर सके, तो जो स्पीयर की जो रेडियस है, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीयर की रेडियस इतनी होगी, वहीं अगर आप इस स्पीयर की रेडियस ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो इस स्पीयर की जो रेडियस यहाँ पर जो भाई यहाँ पर इस पॉइंट के अलोंग यदि आप एक स्पीयर ड्रॉ करोगे तो वो जो है उसकी जो रेडियस है वो काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है, तो उसकी रेडियस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इस पॉइंट की रेडियस यहाँ पर कम हो गई। तो क्या होता है यहाँ पर कि अगर रेडियस कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इस पॉइंट की रेडियस कम है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कर, यहाँ पर ज़्यादा चार्ज आपको मिलेगा, वहीं पर इसकी रेडियस यहाँ पर ज़्यादा है, रेडियस इज ग्रेटर, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लेस मिलेगी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कम मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक इररेगुलर अगर हमारे पास शेप कंडक्टर है तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के अलोंग यहाँ पर अगर आप एक स्पीयर ड्रॉ करना चाहो तो ये काफ़ी ज़्यादा रेडियस का स्पीयर होगा, ठीक है, तो रेडियस काफ़ी बड़ी होगी, जिस कारण से यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, रेडियस ज़्यादा होगी तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कम होगी, मतलब यहाँ पर कम चार्ज आपको मिलेगा, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पर कम होगा। वहीं पर बात करें कोई ऐसा एंड है जो कि पॉइंटेड एंड है, जैसे यहाँ पर है, ये पॉइंटेड एंड है बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर इसके अलोंग अगर आप एक स्पीयर ड्रॉ करो तो स्पीयर की जो रेडियस है वो काफ़ी कम मिलेगी, और अगर रेडियस कम होगी इसका मतलब चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारा चार्ज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा चार्ज होगा। सिमिलरली ये पॉइंटेड एंड है तो यहाँ पर भी एक स्पीयर छोटा बनेगा तो यहाँ पर भी बहुत सारा चार्ज होगा, वहीं यहाँ पर ये पूरा प्लेन है तो एक यहाँ पर अब अगर आप एक स्पीयर बनाओगे तो स्पीयर की जो रेडियस है वो काफ़ी लार्ज होगी, मतलब यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है तो इस केस में यहाँ पर जो सिग्मा है वो काफ़ी कम होगा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम चार्ज डेंसिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये एक बॉडी है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक बॉडी है, तो क्या होगा कि ये जो है इसका पॉइंटेड एंड है, और पॉइंटेड एंड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आप एक स्पीयर बनाओगे तो बहुत ही छोटा सा स्पीयर बनेगा, तो रेडियस जो है इसके काफ़ी स्मॉल होगी, इसका मतलब सिग्मा जो है वो काफ़ी लार्ज होगा, तो मतलब यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो चार्ज पर यूनिट एरिया अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। वहीं पर यहाँ पर अगर आप एक स्पीयर ड्रॉ करोगे तो स्पीयर की रेडियस बहुत ज़्यादा होगी तो इसकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पर काफ़ी कम होगी, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर काफ़ी कम होगी, वहीं पर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। ओके, तो अब देखिए इससे क्या होगा, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि भाई जहाँ पर पॉइंटेड एंड होंगे, ठीक है, कि हमारा कोई एक ऐसा कंडक्टर है जिसके जो एंड हेड पॉइंटेड एंड है, तो पॉइंटेड एंड के ऊपर यहाँ पर आपको जो चार्ज डेंसिटी है तो वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, जैसे यहाँ पर ये पॉइंटेड एंड है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, पॉइंटेड एंड नहीं है वहाँ पर आपको चार्ज डेंसिटी काफ़ी कम मिलेगी, तो जहाँ भी आपको पॉइंटेड एंड दिखाई दे रहा है इस बॉडी पे वहाँ पर आपको चार्ज डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, कैसा भी आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हो, बट दोनों ही केस में यहाँ पर चार्ज डेंसिटी पॉइंटेड एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस काफ़ी कम होगी, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। सिमिलरली आप इन पॉइंटेड एंड के ऊपर भी देख सकते हैं, तो सभी पॉइंटेड एंड के ऊपर यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा इस केस में कि भाई जब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो देखिए क्या होता है।
So 4 pointed and r is very small, so sigma is very large, and the particles of air coming in contact with pointed end get charged and repelled. तो यहाँ पर भाई जो पॉइंटेड एंड है उनके लिए रेडियस स्मॉल होती है, तो सिग्मा जो है वो काफी ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी वहां पर काफी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होगी पॉइंटेड एंड के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो एयर के जो पार्टिकल है जो कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा भाई जो एयर है, एयर के जो एटम्स है यहाँ पर, तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके कहाँ जाएगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएगा, और ये बेसिकली यहाँ पर जो हमारा जो एटम है वो कैसा है, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भाई यहाँ पर एक एयर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जितने भी आसपास एयर मॉलिक्यूल है, ये उन सभी के साथ यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन आ जाए और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो भी हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पर बेसिकली जो आयन है वो रिपेल होंगे, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो आयन यहाँ पर मूव करेंगे। सिमिलरली दूसरा एयर मॉलिक्यूल है उसके आयन यहाँ पर मूव करेंगे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगी, और साथ में जो चार्ज है वो हमारा लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कम होना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक विंड इज सेटअप विच टेक अवे द चार्ज फ्रॉम द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर, जो कि चार्ज को ले जाएगी पॉइंटेड एंड से, एंड दिस प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग द चार्ज इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज, और इस प्रोसेस को जिसमें चार्ज स्प्रे होता है इसको हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, या फिर एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट बोलते हैं। सो दैट इज वाई कंडक्टर यूज फॉर स्टोरिंग चार्ज हैव लार्ज रेडियस, इसलिए क्या करते हैं कि भाई जब भी हम एक कंडक्टर लेते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो उसके रेडियस को काफी ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। कि भाई ये अगर यहाँ पर जैसे ये अगर पॉइंटेड एंड है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है एयर मॉलिक्यूल के कारण यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई जो एयर है वो आयनाइज होती जाएगी, एयर में जो है आयनाइज हो जाएगी, एयर का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस तरीके से अवे मूव करेगा, और वहीं पर जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेंगे, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसके रेडियस जो है काफी ज्यादा है, ठीक है। रेडियस ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये जो चार्ज है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा नहीं होगी, जिस कारण से यहाँ पर चार्ज जो है वो लीक नहीं करेगा, तो बेसिकली जो एयर है वो यहाँ पर आयनाइज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एयर को आयनाइज करने के लिए यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, कुछ वोल्टेज होनी चाहिए, और अगर ये चार्ज ज्यादा होगा तो उस केस में आपको पता है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, और अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी तो एयर मॉलिक्यूल वहां पर आयनाइज हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज के केस में भी क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है ये एटम है, तो क्या होगा भाई यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है, एटम्स के अंदर यहाँ पर, और इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको एक देख सकते हैं कि भाई जो हमारी हाई पावर लाइन्स होती है, आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत ही हाई पावर लाइन है, ठीक है, 23,000 वोल्टेज जहाँ पर 11,000 वोल्टेज जब पास होती है, ठीक है, काफ़ी हाई लाइन होती है, तो वहाँ पर वो जो लाइन है वो काफ़ी हाई वोल्टेज के ऊपर पास हो रही है, ठीक है। तो सपोज़ ये एक वायर है जिससे भाई हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है काफ़ी हाई वोल्टेज के ऊपर पास हो रही है, तो क्या होगा, हाई वोल्टेज के ऊपर पास होगी, अब वायर जो है वो यहाँ पर जो है हमारा भाई वायर को हम छोटा बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो वायर है इसका अगर हम रेडियस देखें बहुत ही स्मॉल होता है, तो यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली पॉइंटेड एंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो पॉइंटेड एंड की तरह बिहेव करेगा, और सिंस यहाँ पर पोटेंशियल इतना ज्यादा है, तो क्या होगा, इसके कारण जो है जो एयर इसके कॉन्टेक्ट में आएगी, ठीक है, तो एयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, एयर जो मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो हर केस में होगा एयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, एयर के मॉलिक्यूल यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक विंड जो है वो सेटअप हो जाएगी, ये जो चार्ज है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली कोरोना डिस्चार्ज का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो कोरोना डिस्चार्ज का यहाँ पर प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस में आपको एक आवाज सुनाई देती है झरझर की, ठीक है। तो जब आप हाई वोल्टेज पावर लाइन के नीचे खड़े होते हो, तो ये जो आवाज है काफी तेज आपको सुनाई देगी, ठीक है, क्लियरली आप उसको सुन सकते हो। तो जब भी आप ऐसी आवाज सुनो, तो आप समझ जाना कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। और
भाई इसी तरीके से यहाँ पर ये जो बेसिकली ये जो वायर है इनके पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनके पास में भी जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बेसिकली मूव करना शुरू करेगा, तो बेसिकली हमारी बॉडी इससे अट्रैक्ट होगी तो वहाँ पर हम इससे चिपक जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी रिस्की होता है ये, तो ये कोरोना डिस्चार्ज का प्रोसेस है, ठीक है। और भी नेचर में काफ़ी जगह यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, एक तो हम यहाँ पर वोल्टेज डाउन कर दें, ठीक है, कि कम वोल्टेज के ऊपर करंट को ट्रांसमिट करें, क्योंकि जो एयर होती है, एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 3×10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जब कम वोल्टेज होगी यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर हम भाई आयनाइजेशन नहीं होगा, कोरोना डिस्चार्ज नहीं होगा, बट वोल्टेज को हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप 12th क्लास में पढ़ो कि भाई अगर हम वोल्टेज को कम वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं तो वहाँ पर हमारा करंट लॉस होता है रेजिस्टेंस के कारण, तो इसलिए हम इसको वोल्टेज को डाउन नहीं कर सकते। या फिर हम क्या करें, वायर्स जो है उनको मोटा बना दें, तो वायर्स को भी हम एक लिमिट से ज़्यादा मोटा नहीं बना सकते, एक लिमिट से ज़्यादा थिक नहीं बना सकते, क्योंकि भाई वायर ज़्यादा थिक हो गए तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर भाई ज़्यादा मटेरियल हमारा यूज़ होगा तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वायर्स होते हैं, तो बेसिकली जो वायर है उनको थोड़ा सा थिक बनाया जाता है और उनकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिससे कि जो एंड्स वहाँ पर जो है वो पॉइंटेड नहीं होते, थोड़ा सा स्ट्रेट सा होते हैं, ठीक है। सो दैट इज कोरोना डिस्चार्ज। और एक इसकी एप्लीकेशन है वो है लाइटनिंग डिस्चार्ज के अंदर, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर के अंदर। सो देखिए इसकी एप्लीकेशन है लाइटनिंग कंडक्टर के केस में। सो लाइटनिंग कंडक्टर यूज टू स्टोर टू सेव बिग बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कंडक्टर का यहाँ पर यूज़ होता है बेसिकली लाइटनिंग से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जो बिजली गिरती है तो उससे किसी बिल्डिंग को बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के अरेंजमेंट होती है कि भाई ये जैसे कोई बिल्डिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर इस बिल्डिंग के ऊपर हाइट के ऊपर ऐसे यहाँ पर एक बेसिकली एक मेटल की यहाँ पर रोड लगा दी जाती है, और ये एक मेटल का पाइप होता है, कॉपर का पाइप है, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पर एक कॉपर की जो मेटल की प्लेट है वो नीचे ज़मीन के अंदर ग्राउंड के अंदर बेसिकली दबा दी जाती है, ठीक है। और ये हमें लाइटनिंग के खतरे से बचाती है, इस बिल्डिंग को बचाती है लाइटनिंग के खतरे से। सो इसमें क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर कंसिस्ट नंबर ऑफ पॉइंटेड एंड कंडक्टर एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो लाइटनिंग कंडक्टर पे क्या होगा, अब ये देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाए हुए, तो यहाँ पर ये काफ़ी पॉइंटेड एंड है इस कंडक्टर के, ठीक है। तो ये जो पॉइंटेड एंड है, इन पॉइंटेड एंड के ऊपर क्या होगा कि भाई सिंस ए पॉइंटेड एंड है तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। सो एंड कनेक्टेड टू ए थिक कॉपर वायर, ये जो है ये एक थिक कॉपर वायर से कनेक्टेड है, एंड एंड्स ऑन ए मेटल प्लेट बरिड इन द ग्राउंड, और ये मेटल प्लेट पे यहाँ पर एंड होते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर दबी हुई होती है। सो व्हेन नेगेटिवली चार्ज क्लाउड पास ओवर द बिल्डिंग, अब देखिए क्या होगा भाई, जो क्लाउड्स है जब यहाँ पर कोई नेगेटिवली चार्ज क्लाउड बिल्डिंग के ऊपर पास होगा तो क्या होगा, उस कारण से सिंस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इधर जो है ये जो पॉइंटेड एंड है इनके ऊपर इंडक्शन के कारण नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इंडक्शन के कारण यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होगा उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर भाई सिंस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी पॉइंटेड एंड के ऊपर, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा चार्ज जो है वो स्टोर हो जाएगा इन पॉइंटेड एंड के ऊपर, ठीक है। और जितना यहाँ पर चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे बादल यहाँ पर नज़दीक होंगे, बादलों का चार्ज ज़्यादा होगा तो यहाँ पर भी चार्ज बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा कि भाई जो एयर मॉलिक्यूल यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट में आएंगे, जैसे कि हमारा कोरोना डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है, जब वो इनके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या होगा, जो बेसिकली यहाँ का जो चार्ज है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और एक इलेक्ट्रिक विंड यहाँ पर सेटअप हो जाती है कुछ इस तरह से कि भाई ये यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंटेड एंड है, ठीक है, ये पॉइंटेड एंड है तो यहाँ पर जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, पॉइंटेड एंड के ऊपर यहाँ पर काफी लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पर चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हमारे बादल है जिनके ऊपर कैसा चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इससे क्या होगा कि भाई जैसे ही यहाँ पर एयर जो है, एयर का एक एटम इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कराएगा, और ये जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव कहाँ मूव करेगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर और जो पॉजिटिव एटम्स है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे, और हमारे भाई यहाँ पर ये एक एटम है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एटम है जो कि ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसा हर केस में होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बेसिकली मूव करेंगे ऊपर की तरफ,
ठीक है। और क्या होगा, एक बेसिकली एक विंड सेटअप हो जाएगी, एक पॉजिटिव चार्ज की विंड जो कि ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज विंड है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज विंड जो है वो सेटअप हो जाएगी जो कि मूव करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे इन कंडक्टर की तरफ, ठीक है, ये पॉइंटेड एंड कंडक्टर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये जो हमारा चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन चार्ज को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ का चार्ज रिड्यूस होना शुरू होगा और ये जो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज हमारे एटम है ये मूव करके जाएंगे इन बादलों के पास, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और यहाँ का नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा और यहाँ का पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर कम होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भाई जो आपका रिस्क है लाइटनिंग होने का वो काफी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सिंस चार्ज यहाँ पर भी कम हो रहा है, यहाँ पर भी कम हो रहा है। और लाइटनिंग कब होगी, लाइटनिंग जब होगी जब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपको एक लाइटनिंग के खतरे से बचा रहा है। एक विंड सेटअप हो रही है जो कि इस बादल के चार्ज को भी न्यूट्रलाइज कर रही है और जो पॉइंटेड एंड है उसके चार्ज को भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर रही है। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज जो है यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड हो जाएगा और बादल का जो चार्ज है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये ग्राउंड हो गया और जो क्लाउड का चार्ज है यहाँ पर वो भी धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इससे आपका जो लाइटनिंग का जो रिस्क है वो काफी यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है, और लाइटनिंग से ये आपको बचा लेता है। और इन केस अगर यहाँ पर कोई लाइटनिंग डैमेज होती भी है तो क्या होगा कि लाइटनिंग जैसे ही आएगी वो इस मेटल के थ्रू होते हुए ग्राउंड के अंदर चली जाएगी और सारा चार्ज यहाँ पर आपका ग्राउंड हो जाएगा और यहाँ से आप बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से बच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो हमें सेव करता है लाइटनिंग से। सो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड पास ओवर बिल्डिंग एंड ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज फ्रॉम पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक विंड इज सेटअप पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर देखिए कि जब ये क्लाउड यहाँ से पास हुआ नेगेटिवली चार्ज क्लाउड, तो एक पॉजिटिवली जो विंड है वो यहाँ पर सेटअप हो गई, ठीक है, और पॉजिटिव विंड ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन द बरीड मेटल प्लेट, नीचे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा एंड द इलेक्ट्रिक विंड ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द क्लाउड। जो इलेक्ट्रिक विंड है वो इसके नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगी एंड वाइल नेगेटिव चार्ज ऑफ मेटल प्लेट न्यूट्रलाइज टू द अर्थ, नेगेटिव चार्ज जो है वो अर्थ में न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड इफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ओकर देन एक्सेस चार्ज विल ग्राउंडेड थ्रू कॉपर वायर टू अर्थ एंड सेव द बिल्डिंग। तो अगर यहाँ पर फिर भी जो चार्ज है वो इतना न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर फिर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो एक तो यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो कहाँ जाएगा, वो इस लाइटनिंग कंडक्टर से होते हुए ग्राउंड के अंदर ग्राउंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से ये हमें लाइटनिंग से बचा लेता है या फिर उसके खतरे को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट लाइटनिंग कंडक्टर कोरोना डिस्चार्ज और वी कैन से इट इज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।